तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि रिजल्ट कब तक जा सकता है, कब तक आ सकता है, और 100% जो कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है, और फिजिकल वगैरह कब से शुरू हो सकते हैं, कट ऑफ वगैरह कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, जैसा कि आपको बता दूं, UP SSC ने, ठीक है, UP SSC के जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं उनके कहीं ना कहीं रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आने वाला है, पैट का रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे रिजल्ट जिनके इंटरव्यू वगैरह हो गए हैं उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं। UP SSC की जितनी पुरानी भर्तियां हैं उन्हीं भर्तियों में से एक हमारी जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है 2019 में भर्ती आई थी। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसके रिजल्ट को लेकर ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। तो साथियों, आपको बता दूँ, ज़्यादा चिंतित मत हो, आपका रिजल्ट अब बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। जितनी भी पुरानी भर्तियाँ उनके रिजल्ट कहीं ना कहीं आने वाले हैं और आ भी सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। तो लगभग जो JEE का रिजल्ट है वो भी शायद हमें लगता है सोमवार से पहले या सोमवार तक आ जाना चाहिए, और पैट का भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब जितनी भी पुरानी भर्ती हैं उनके रिजल्ट, जिन इंटरव्यू हुए थे उनके उनके भी कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की बात, तो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आ सकता है। मगर साथियों, आपको बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है फरवरी के सेकेंड वीक तक भी जारी हो सकता है, सेकेंड वीक तक। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे, सर इसमें लेखपाल का भी तो रिजल्ट आने वाला है। मगर साथियों, आपको बता दूं, लेखपाल का रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, या तो वो फरवरी के लास्ट तक अंत तक देखने को मिलेगा, या फिर वो मार्च में भी जा सकता है, क्योंकि वो भर्ती कोर्ट वगैरह में चल रही है। ठीक है, मगर आपके जो पदों की संख्या कम है, यहाँ पर 655 ही पद हैं, यानी कि 655 ही पद हैं, तो यहाँ पर विभाग में ज़्यादा प्रक्रिया थोड़ी, मतलब बच्चे कम है, वैकेंसी कम है, तो उस हिसाब से बच्चों को जो फिजिकल में बुलाया जाएगा लगभग, यानी कि वो ही, यानी कि अगर 5 गुने बुलाए जाएंगे तो लगभग 3300 के समथिंग, और 6 गुने अभ्यर्थी बुलाए गए तो लगभग 3900, यानी कि 4000 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उम्मीद लग रही है कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो इसके लिए फिजिकल में बुलाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से कोई भर्ती नहीं हुई है फॉरेस्ट गार्ड की, और भर्ती होगी अगर कम अभ्यर्थी 5 गुना ही अभ्यर्थी अगर बुलाए गए तो कहीं ना कहीं जो पदों की संख्या खाली रह सकती है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल वगैरह होता है थोड़ा ज्यादा ठप हो जाता है, और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फिजिकल में ज्यादा फेल भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो उस चीज को आप निश्चिंत रहिए। रिजल्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, तो रिजल्ट आपका फरवरी के सेकंड वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि खबर मिल रही है। और आपको बता दूं, उससे पहले भी जारी हो सकता है, जो भी चीज बताई जाती है, हालांकि 100% जहां तक यानी कि बताई जाती है वो कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये सारी चीजें लगभग आपको बता दूं, फरवरी महीने में आपका रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। या तो सेकंड वीक में, या उससे पहले भी आ सकता है। और जितनी, जैसे कि अभी देखा होगा, ARO का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसियां अभी यूपी की बता रहा हूँ, यूपी की बता रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रिजल्ट आ गया, तो अब रिजल्ट वगैरह आने तैयार हो गए। जैसा कि योगी जी ने कहा था कि हम मार्च तक नियुक्ति पत्र दे देंगे, ठीक है, मगर आपकी भर्ती में क्या है, मार्च तक मिल भी सकता है नियुक्ति पत्र। कैसे मिल सकता है, अगर जैसे कि मार्च तक है ज्यादा मतलब हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा फैसला नहीं है, क्योंकि फरवरी मार्च में, क्योंकि फरवरी तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं फिजिकल होगा, तो अभी थोड़ी प्रोसेस वगैरह होगी। मगर आपकी भर्ती में लगभग मार्च में नहीं नियुक्ति पत्र मिल पाएगा। मगर हालांकि ये कि भर्ती की प्रोसेस वगैरह आपके बहुत ही स्पीड से होने वाली है, तो ये उसमें कोई निश्चित दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो साथियों आप निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आपका फरवरी के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक के, यानी कि फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, मगर फरवरी में आपको बता दूं क्लियर हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, फरवरी में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। मगर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो रनिंग वगैरह आप नहीं करते रहो, अगर कट ऑफ वगैरह में आपके इतने मार्क्स पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 20 से 25 दिन ही आपको, अगर आपका रिजल्ट आ गया तो 20 से 25 दिन ही आपको फिजिकल के लिए मिलने वाले हैं। फिर 20 से 25 दिन में अपनी रेस वगैरह अच्छी तरीके से नहीं बना पाओगे, क्योंकि 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर का 4 घंटे में मेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा, और फीमेल के लिए भी ज़्यादा टफ है, 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर का 4 घंटे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है, कट ऑफ वगैरह कम जा सकती है, ज़्यादा सकती है, तो आपको बता दूँ कट ऑफ वगैरह कम ही रहने वाली है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है। ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, अगर आपके 122 प्लस भर रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को निश्चिंत समझिए, अपनी फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो, इतने पर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं EWS की। EWS की लगभग आपको बता दूं 114 प्लस जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। कोई कुछ भी कह रहा हो कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, आपको पता है पुरानी भर्ती है और लगभग पेपर कहीं ना कहीं टफ था, इसका कठिन था पेपर, तो लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है। अब हम बात करते हैं OBC की। OBC की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो लगभग बता दूँ OBC की 119 प्लस भर रहे हैं आपके, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, SC की बात करते हैं, तो लगभग आपको बता दूं 108 प्लस जा सकती है, SC कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, SC की
एसटी की बात करते हैं तो एसटी की लगभग 96+ जा सकती है, लगभग इतने मार्क्स बन रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो लगभग 89+ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और हम यही बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो संख्या बहुत कम होती है वो मैंने पहले ही बताया कि एयरफोर्स नेवी आर्मी से ही जितने भी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन्हीं को मतलब प्रायोरिटी दी जाती है एक्स सर्विसमैन की, तो लगभग उनकी कट ऑफ वगैरह 90+ रह सकती है, 90 भी रह सकती है, इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की संख्या बहुत कम होती है। और गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कम भी करते हैं लोग दोबारा जॉब आकर, तो गर्ल्स की बात करते हैं तो लगभग 95 यानी कि इनकी भी रह सकती है गर्ल्स की बात करते हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए, निश्चित समझिए, आपका सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा। बस आपका फिजिकल वगैरह हो गया तो फिर फाइनल जरूर हो जाएगा, क्योंकि यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है कि जितने अभ्यर्थी फिजिकल कहीं नहीं की मार देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिजिकल क्लियर कर देते हैं तो उनका फाइनल 100% हो जाता है, क्योंकि बच्चों की संख्या बचती नहीं है। और 655 पद कहीं ना कहीं अच्छे पद हैं तो इतने पर हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ वगैरह नहीं जाने वाली है। और फिजिकल की जो रिक्वायरमेंट है वही है जनरल ओबीसी एससी में, अगर हाइट की बात करते हैं तो 168 है, फीमेल की बात करते हैं 152 है। और यहीं पर हम एसटी की बात करते हैं, मेल कैटेगरी में तो 168 चाहिए और फीमेल की बात करते हैं एसटी कैटेगरी में 147 चाहिए। और चेस्ट वगैरह हम बात करते हैं तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं जनरल ओबीसी एससी के 84 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी की बात करते हैं 82 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात करते हैं तो उनमें जो चेस्ट वगैरह नहीं सिर्फ 45 से 58 केजी वजन हो चाहिए, 45 to 58 यानी कि केजी वजन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी मेंटेन रखे चलो, क्योंकि गर्ल्स वगैरह थोड़ा वेट वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी फेल हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी जानी जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने नहीं वाली है। और फिजिकल के बारे में बता दें 20 से 25 दिन ही मिलने वाले, रिजल्ट आपका फरवरी के सेकंड या फर्स्ट में आ गया है, लास्ट तक आ गया, ठीक है। मगर इतना क्लियर है कि रिजल्ट आपका फरवरी में ही अंत देखने को मिलेगा, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है कि फरवरी के सेकंड वीक तक देखने को मिल सकता है रिजल्ट आपका, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए और फिजिकल वगैरह 20 से 25 दिन के अंदर आपको पता ही चल जाएगा, फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको, जवाब मिल ही चुका होगा। तो आज की वीडियो हम रखते हैं, धन्यवाद।